والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है। बादहू पेश बहा कीमती दरूद व सलाम नाज़िर हो तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तस्लीम के ऊपर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 15वें पारे की तिलावत बखूबी समाप्त कर लिया और 15वें पारे की शुरुआत बड़ी प्यारी सूरत के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत ही बड़े मौजज़े का तज़किरा किया है। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई वो ज़माना वो वक्त आज की तरह तरक्की याफ्ता मादी एतबार से ना था, वो ज़माना हमारे ज़माने की तरह टेक्नोलॉजी से पुर ना था। इसीलिए उस ज़माने में जब इस आये सूरत में मौजूद वाक़या जब रूनमा हुआ तो लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कुफ्फार मुशरिकीन ने मजाक बनाया, कुफ्फार मुशरिकीन ने इस्तेहज़ा से काम लिया और वो ये समझने लगे सोचने लगे कि हम तो सोच रहे थे कि कोई ऐसी बात मिले जिससे मुसलमानों को दबाया जाए। मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो खुद ही एक ऐसी बात कह दी है कि जिससे लोग उनसे दूर हो जाएंगे। मगर मेरे भाइयों, उन कुफ्फार और मुशरिकीन को ये मालूम ना था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत कुरान की रोशनी में की थी उनका ईमान इतना कमज़ोर ना था, उनका अकीदा इतना कमज़ोर ना था कि ज़रा सी हवा के झोंके से उनका ईमान तब्दील हो जाए। आज हमारा और आपके ईमान हल्के से थपेड़े लगते हैं हवाओं के और तब्दील हो जाते हैं। कभी फैशन के नाम पर हमारा ईमान हमारा अकीदा बदल जाता है, कभी रसूमात के नाम पर हमारा अकीदा हमारा ईमान बदल जाता है, हमारे ईमान में लचक पैदा हो जाती है, कभी दुनियादारी को देख करके हमारे ईमान में लचक पैदा हो जाता है, कभी माल की हवस हमारे ईमान को कमज़ोर कर देती है और कभी किसी चीज़ का डर किसी चीज़ के खोने का डर हमारे ईमान को कमज़ोर बना देती। ये हमारा हाल था और है, मगर सहाबा इकराम का हाल ऐसा नहीं था। सहाबा इकराम तो वो चट्टियल मैदान की तरह और वो पहाड़ की मजबूत चट्टान की तरह थे कि अगर उनसे कोई हवा जो टकराती और ये कोशिश करती कि उनके ईमान को मतजलजल कर दे तो वो हवा मायूस पलट जाती अपना सर फोड़ती मगर उस चट्टान को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। मिसाल के तौर पे आप हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात को याद कर लीजिए, मिसाल के तौर पे अम्मार और यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के वाक़यात को याद कर लीजिए, मिसाल के तौर पे हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़यात को याद कर लीजिए, मिसाल के तौर पे हजरत ज़नीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़यात को याद कर लीजिए, मिसाल के तौर पे खुबैब और खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के वाक़यात को याद कर लीजिए। किस तरीके से ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाया गया और इनके ईमान को तकलीफ़ों के जरिए हिलाने की कोशिश की गई, इनके ईमान को मालो ज़र के जरिए खरीदने की कोशिश की गई, इनके ईमान को जो है खौफ व हिरास के जरिए हिलाने की और उसे मुतज़ल्ज़ल करने की कोशिश की गई। मगर मेरे भाइयों, आपको पता है कि आग के अंगारों पे लेटना गवारा कर लिया बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मगर ज़बान से अल्लाह वहद के नारे को कभी हटने नहीं दिया। तो ये कुफ्फार मुशरिकीन जो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते थे कि कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे मुसलमानों के इस
उरूज को और मुसलमानों की इस बढ़ती हुई तादाद को और इस रफ्तार को रोका जाए। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेराज के वाकये को बयान किया, जैसा कि पहली आयत ही जो मैंने तिलावत की, अल्लाह ने फरमाया कि बाबरकत है वो जात, सुभान अल्लाह, बाबरकत है वो जात जो अपने बंदे को ले गया लैलम मिनल मस्जिद हराम, रात की तारीकी में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और मैंने शुरू में कहा था कि वो जमाना तरक्की याफ्ता जमाना ना था, जो आजकल जो तरक्कियात हो रहे हैं बिलाशुबा वो जमाना आज के जमाने से दीनी एतबार से बहुत बेहतर था, अखलाकी एतबार से बहुत बेहतर था, समाजी एतबार से बहुत उमदा था, मुआशरती एतबार से, अख़ुवत के एतबार से, इत्तेहाद और इत्तिफाक के एतबार से, मिलनसारी और मोहब्बत उल्फत के एतबार से बहुत निराला था। आज वो चीजें हमारे दरमियान नहीं देखने को मिलती, मगर मादी चीज की बात हम कर रहे हैं, जो वसायल और ज़राए आज हमारे दरमियान मौजूद है सवारी के एतबार से बात हम करना चाहते हैं, यहाँ बैठे बैठे हम दुनिया किसी कोने किसी खत्ते में बात कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सिर्फ बात ही नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ आवाज ही नहीं पहुंचा सकते, बल्कि पूरा पूरा प्रोग्राम जो हमारे यहाँ हो रहा है हम उस प्रोग्राम को किसी और जगह दुनिया के किसी भी कोने में हम मुंतकल कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये ज़राए ये मसाइल उस जमाने में नहीं थे। आज हम यहाँ से कई घंटों का सफर, कई कई दिनों का सफर हम चंद घंटों में कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान से इस कोने से उस कोने जाएं ट्रेन के जरिए तो आपको कई दिन लग जाएंगे, मगर अगर वो प्लेन के जरिए जाएं तो चंद घंटों का सफर है। तो ये जमाना जरा मादी एतबार से तरक्की याफ्ता जमाना है, अखलाकी अकदार तो आज हमारे दरमियान नहीं पाए जाते, पामाल हो चुके हैं। वो जमाना अखलाकी अकदार का मुहाफिज था, वो जमाना अखलाक और किरदार का मुजस्मा था, पाकिजगी का मजहर था, और पाकिजगी का जो एक तरह से पूरा जीती जागती उनके अंदर तस्वीर मौजूद थी जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है, मगर मादी वसायल की कमी थी। लोग घोड़े पर सफर किया करते थे, ऊंट पर सफर किया करते थे, गधों और खच्चरों पर सफर किया करते थे, पैदल सफर किया करते थे। उस जमाने में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का जो सफर था वो 40 दिन का था। कितने दिन का था? 40 दिन का। और सफर किस पे करना है? इन्हीं चार पांच चीजों पे सफर करना है, या तो आप घोड़े पे जाओ, या ऊंट पे जाओ, या गधे और खच्चर पे जाओ, या पैदल जाओ, यही सफर के जराए थे। तो उस जमाने में 40 दिनों का सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का था। ऐसे दौर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही कि लोगों और मेरे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे रात की तारीकी में मुझे ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और फिर मैंने वहां पे तमाम अंबियाए किराम की इमामत करवाई। बड़ा तफसीली वाकया है, लंबा वाकया है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मुख्तसर ये कि तमाम अंबियाए किराम वहां मौजूद थे। अल्लाह के नबी बयान करते हैं, जब जिब्राइल मुझे ले गए तो मुझे ऐसा लगा वहां पर कि तमाम लोग अपने इमाम के इंतजार में है, अपने इमाम के इंतजार में खड़े हैं। मुझे डायरेक्ट मसल्ले पे ले जाया गया, मुझे खड़ा कर दिया गया, फिर मैंने तमाम अंबियाए किराम को नमाजें पढ़ाई, फिर मुझे वहां से मामला यहीं तक खत्म नहीं हुआ। इसलिए कुफार मुशरिकिन को बड़ा मजा आ रहा था इस बात का सुनकर, इस वाक्य को सुनकर कि बहुत बहुत बड़ा हथियार हाथ में आ गया है, अब तो हम मुसलमानों को जो है अच्छी तरीके से घेर पाएंगे। फिर अल्लाह ने मेरे बयान फरमाया कि फिर मुझे वहां से ले जाया गया आसमान पर। तो ये जो सफर के दो हिस्से हुए, एक हिस्सा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, इसे इसरा कहते हैं, इस हिस्से को इसरा कहा जाता है, और फिर मस्जिद अक्सा से जो आसमान के ऊपर जब आप गए तो इस हिस्से को मेराज कहा जाता है। मेराज ये आराजा युरिजु इराजन से है, इसका माना होता है चढ़ना, इसका माना है चढ़ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीनी सफर में जो चढ़ता है क्या चलता है, हमवार जमीन है, और हल्के फुल्के टीले को चढ़ान में इसमें शुमार नहीं किया जाएगा। और अल्लाह कहने के लिए मुझे आसमान पर ले जाएगा, तो आसमान पर इंसान क्या करेगा, चलेगा या चढ़ेगा? चढ़ेगा। अल्लाह ने मेरे खुद आपने हदीस मुबारक के जरिए भी ये बात साबित की कि मुझे आसमान पर ले जाया गया, चढ़ाया गया, मुझे चढ़ने के लिए कहा गया। तो मेरे भाई ये दो हिस्से, मगर चूंकि आसमान का सफर ज्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए इस पूरे वाकये को मेराज के ही नाम से याद किया जाता है। पूरे वाकये जो हराम से मस्जिद हराम से अक्सा तक गए इसको भी, और मस्जिद अक्सा से आसमान पे गए इसको, दोनों वाकये को जो है मेराज से ही याद किया जाता है।
तो कुफार मुशरिकीन को जब ये बात मालूम हुई तो सबसे ज्यादा प्यार सहाबा इकराम में से अल्लाह के नबी से किसको था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और सबसे ज्यादा हामी और नासिर भी वही थे। सबसे पहले कुफार और मुश्रिकीन उनके पास गए और एकदम मजाक के मूड में ठट्ठा करते हुए कहा, अबू बकर तुझे मालूम भी है तेरे दोस्त ने कैसी बात कही है, या यूं कह ले कैसी गप हाँकी है? कहा क्या बात? कहा तेरे दोस्त ने ये कहा है कि वो रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर करके वापस भी आ गए। जाना आना कितना 80 दिन होता है, एक ही रात में वापस आ गए और बात ही नहीं आसमान पे भी चले गए। कहा वाकई अल्लाह के नबी ने ये कहा है? क्या कहा अबू बकर सिद्दीक ने? क्या वाकई मेरे हबीब ने ये बात कही है? कहा हाँ। कहा लोगों तुम इसमें ताज्जुब क्या करते? कहा मैं तो अल्लाह के नबी की इससे भी आगे की बात की तस्दीक करता हूँ। मेरा नबी मुझे कहता है कि जिब्राइल अमीन मेरे ऊपर आते हैं, वही लाते हैं, कुरान सुनाते हैं, रब का पैगाम सुनाते हैं। मैंने कभी जिब्राइल को नहीं देखा, मैंने कभी रब को नहीं देखा। नबी अलैहिस्सलाम की जबान ये कहती है कि मेरे ऊपर रब का कलाम नाज़िल होता है, जिब्राइल अमीन लेके आते हैं। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मस्जिद अक्सा के सफर की तस्दीक करना तो बदर्जे औला आसान है। यही वो वाकया था, यही वो तस्दीक थी जिसके बाद सैयदना अबू बकर का लकब सिद्दीक पड़ गया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर में, इस सूरत का नाम भी इसरा है, इस सूरत का नाम भी इसरा है और इसको बनी इसराइल भी कहा जाता है। इसरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम वाक़ये पूरा बयान फरमाया। का बाबरकत है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अल्लज़ी, और अक्सा क्या है? अक्सा का लफ्ज़ी माना होता है दूर की जगह। तो हराम से मस्जिद अक्सा दूर की जगह थी ना, बहुत दूर की जगह थी, 40 दिन का रास्ता, तो अक्सा इसी से मुराद है। और अक्सा जो है ये मस्जिद अक्सा ये एक शहर था, अल-कुदस या अल-कदस और एलिया ये दो नाम आते हैं, पुराना नाम इसका था, जो फलस्तीन के अंदर में ये शहर मौजूद था और फलस्तीन ये पूरा इलाका है। फलस्तीन के अंदर ये अल-कदस या अल-कुदस और एलिया नाम का ये शहर था, इसके अंदर मस्जिद अक्सा मौजूद था। तो मेरे भाई और दोस्तों, और ये मस्जिद अक्सा जहाँ मौजूद था, फलस्तीन की सरजमीन के बारे में आपको मालूम होगा कि फलस्तीन की सरजमीन जब तारीख के हवाले से आप मालूम करेंगे फलस्तीन की सरजमीन कैसी थी, तो कुदरती तौर पर ये फलस्तीन का जो खित्ता है ये अल्लाह ने नदियों नालों से घेर रखा हुआ है, नदी नालों से घिरा हुआ है और बागात से घिरा हुआ है। आज इसकी शक्ल तब्दील हो गई है बहुत हद तक, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज का तज़किरा किया, अल्लाह ने खुद कहा बारकना औलहु, अल्लाह की बरकतें इसको घेरे हुई है। और मुफस्सिर ने बयान फरमाया कि बरकतें अल्लाह के नबी ने खुद तफसीर बयान की, बरकतें क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे बागात और नहरों से घेर दिया था। बागात नहरें, अब अगर बागात के दरमियान से नहरें बह रही होंगी, वो बागात कभी सूखता नहीं, वो बागात वो बाग हमेशा हरा भरा रहता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फलस्तीन सरजमीन को बागात से घेर रखा था और नदी नालों से चश्मों से घेर रखा था। और इस शहर की एक और फजीलत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेश बहा और कीमती अंबियाए किराम को इस शहर में नाजिल फरमाया था। बड़े बड़े अंबियाए किराम इस शहर में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस किए हैं। इस शहर की बड़ी फजीलत है मेरे भाई और दोस्तों, और बहुत बरकत वाला शहर है। अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला और देखने वाला है। तो मेरे भाई, इस सूरत की फजीलत ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, मुसनद अहमद की रिवायत है, तिर्मिज़ी शरीफ की भी रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सूरह ज़ुमर और सूरह बनी इसराइल यानी सूरह इसरा की तिलावत फरमाया करते थे। इस सूरत की फजीलत है। आज हम और आप बरकत हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कारोबार में, हमारे मालो मता में तरक्कियात हो जाए, तरक्की खूब हो, मगर नुस्खे कीमिया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, हम उस नुस्खे पर अमल नहीं करते। आपको पता है हर चीज का एक नुस्खा होता है। अगर दवा बनानी है, भाई दवा भी एक ही चीज की तो नहीं होती ना, कभी सर दर्द की दवा अलग है, पेट दर्द की दवा अलग है, हार्ट अटैक की दवा अलग है, शुगर की दवा अलग है, हर चीज की दवा अलग अलग है, मगर गोली अगर चाहिए कैसी होगी, एक साइज की, एक डिजाइन की होगी, मगर तासीर अलग अलग है। क्यों तासीर अलग है? क्योंकि उसका फार्मूला अलग है, हर चीज का फार्मूला अलग अलग होता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में, आपके जिंदगी में, आपके इज्जत में बरकत हो, तरक्की हो,
तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खे बतलाए हैं कि आप रात को सूरह मुल्क पढ़ा करते थे, आप सूरह कहफ पढ़ा करते थे, सूरह जुमर सूरह बनी इसराइल पढ़ा करते थे, इसी तरह सूरह मुल्क की तिलावत आप किया करते थे, सुबह शाम आपका ये मामूल था, तो ये अज़कार जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, ये सूरतों की तिलावतें जो अल्लाह के नबी ने बतलाई हैं, हमें इन तिलावतों का अहतमाम करना चाहिए, हमें इन अज़कार का अहतमाम करना चाहिए। अगर हम इन अज़कार का अहतमाम करते हैं तो मेरे भाई फायदे इतने हैं जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। कभी सूरह बकरा के पढ़ने के बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते निगहबानी करते हैं उस घर की, फरिश्ते क्या करते हैं उस घर की निगहबानी करते हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं उस घर के ऊपर, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उस घर से शयातीन खत्म हो जाते हैं, भाग जाते हैं, है तो भाग जाते हैं, नहीं है तो कभी आ नहीं सकते। इतने सारे फवायद, मगर मेरे भाई हम परेशान तो हो जाते हैं मगर इन चीजों पर अमल करना पसंद नहीं करते। इसी तरीके से ये सूरत जो है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कदीम सूरतों में से, यानी ये शुरू शुरू में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरतें नाजिल हुई, यानी मक्की जिंदगी के अंदर में ही ये सूरतें नाजिल हुई। इसकी दलील है अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं कि सूरह कहफ, सूरह मरियम और सूरह बनी इसराइल ये इताक अव्वल में से है। इताक कहते हैं पुराने माल, माल पुराना कदीम माल, यानी अहम तरीन माल, पुराना अहम तरीन माल, ओल्ड इज गोल्ड, सुने है ना, जो पुरानी चीजें हैं आज उसकी बड़ी कीमतें हैं, बड़ी कीमत है, जो 1800 पहले की चीजें हैं या जो 1900 पहले की चीजें हैं, इसलिए के आप उन चीजों को आज मतलब तक कहीं पे जब उसका उसको जो बेचा जाता है बोली लगा के बोली के जरिए से, बड़ी कीमतें उसकी आती तो लोग उसकी कदर कीमत समझते। तो अल्लाह मसूद कहते हैं कि सूरत पुराने जो है माल में से, यानी अहमियत शुदा चीजों में से है, और तलाते अव्वल में से, यानी शुरू शुरू के अंदर में नाजिल किए हुए सूरतें हैं, यानी मक्की जिंदगी के अंदर में, और ये सूरतें सहाबा इकराम में से अक्सर सहाबा इकराम को याद हुआ करती थी। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों आगे एक और आयत है सूरह इसरा की आयत नंबर 23 के अंदर ने इरशाद फरमाया وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर दिया है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें, और अपने वालिदैन के साथ अपनी वालिदैन का एहसान, और अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करें, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ्फ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अगर आप बुढ़ापे के अंदर में आप उन दोनों को पालें या दोनों में से किसी एक को पालें तो आप उनकी खिदमत करें, फला तक़ुल लहुमा उफ़, मगर आप उन्हें उफ़ भी ना कहें, उफ़ भी ना कहें, और सुनिएगा उफ भी ना कहें। उफ समझते हैं, लफ्ज उफ मतलब जरा सी उनकी किसी बात पर नागवारी का हल्का सा शायबा भी आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए, हल्का सा शायबा, इसे उफ कहा जाता है। वो तो कहते हैं उफ अब्बा क्या करते हो, ये भी नहीं कहना चाहिए, इस तरह से भी अपने वालिदैन से पेश नहीं आना चाहिए, ये जुमला भी नहीं कहना चाहिए। कुरान का हुक्म है ये, मेरा या अल्लाह के नबी का फरमान नहीं, बल्कि ये कुरान का फरमान या अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर आज अफसोस की बात है कि आज बाप को गाली दी जाती है, आज बाप को झुड़का जाता है, आज बाप को डांटा जाता है, आज बाप को पागल और बेवकूफ समझा जाता है, अगर बाप ने किसी चीज के बारे में दो तीन बार पूछ लिया तो उसे बेवकूफ गर्दाना जाता है, अरे अब्बा आपकी समझ में आने वाली चीज नहीं है। मगर हम भूल जाते हैं कि जब हम बचपन, जब हमारा बचपना था, जब हम छोटे थे और एक चीज के बारे में हम सवाल करते थे जिस चीज का समझ पाना हमारे अकल से बाहर था, हमारे जहन से बाहर था, मगर हम उस चीज के बारे में अपने बाप से सवाल करते थे, अपने माँ से सवाल करते थे, अगरचे वो चीज हमारे जहन से बाहर होती मगर फिर भी हमारे वालदैन उसे समझाने की कुल्ली कोशिश किया करते थे, वो हम बार बार पूछते, हमारे वालदैन हमें बार बार सिखलाते, बार बार बतलाते कि बच्चे इसका मतलब ये होता है, इस चीज की अहमियत ये है, इसका ये काम है, हम बार बार बतलाते। हमारे बाप ने कभी बचपने में हमसे ये नहीं कहा कि बच्चे तू बेवकूफ है, तू समझ नहीं सकता, तू पागल है, तेरा अकल छोटा है, इस तरह के जुमले हमारे वालदैन ने कभी हमारे लिए इस्तेमाल नहीं किए। मगर जब वही वालदैन जब बूढ़े हो जाते हैं, हम जवान हो जाते हैं, और वो वालदैन हमारे घर में कोई नई लाई हुई चीज के बारे में सवाल करते हैं, बेटा ये क्या है, इसका क्या काम है, तो हम कहते हैं अब्बा ये आपके समझने की चीज नहीं, ये आप नहीं समझ सकते। वाह, जिस बाप ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, परवान चढ़ाया, जिसने आपके जहन में पढ़ा लिखा कर ये कुव्वत बख्शी, ये ताकत बख्शी आपको, बिलाशुबा ताकत अल्लाह देता है, जरिया अल्लाह ने वालदैन को बनाया। अगर आपके वालिद अगर आपको खेत में हल जोतने के लिए भेज देते तो क्या करते, क्या करते आप,
बचपने में आपको अगर मोटर वेल्डिंग जो है दुकानें ढेल देते तो आप क्या करते, वेल्डिंग करना सीखते ना, नट बोल्ट कसना और खोलना सीखते, पढ़ाई करना थोड़ी सीखते है? आपका अकल बस उतने ही देर में दौड़ता है और दिगर रोशनी की तरफ आपका अकल नहीं आ पाता। तो उस वालदेन की जो है उस वालदेन का एहसान है आपके ऊपर, ये उन वालदेन की देन है कि उन्होंने अपने खुद मुशक्कत उठाकर अपने खून और पसीने की गाड़े गाड़े कमाई को आपके पढ़ने के लिए खर्च किया है, आपको लगाया, आपके अकल को परवान चढ़ाया, अच्छे 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 असातिज़ा को जो है मुहैया करवा करके अच्छे अच्छे स्कूल में आपका दाखिला करवाया, जहां के बारे में सुना कि यहाँ की तालीम अच्छी है, यहाँ के असातिज़ा अच्छे है, यहाँ का डिसिप्लिन अच्छा है, यहाँ की स्कूल की स्कूल का तालीमी मैार अच्छा है, वहां पर आपका दाखिला करवाया। क्यों? ताकि हमारे बच्चे का जो है इल्मी मैार बुलंद हो सके, हमारे बच्चे की सलाहियत में चार चांद लग सके, ताकि वो बच्चा अच्छी तरह हर मामले में समझदार हो। और अफसोस जब वो समझदार बन के आता है तो बाप को बेवकूफ समझता है, मां को बेवकूफ समझता है। तो अफसोस की बात है मेरे भाइयों दोस्तों, हमें अपने वालदेन को उफ भी कहने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने कहा वकुल्लहुमा कौन करीमा, उन दोनों से बड़ी ही एहसान और करीमी के साथ उनसे बात करो, बड़े ही अच्छी तरीके से बात करो और उनके ऊपर हमेशा अपने हाथ को नरम रखो, शफ़क़त के साथ रखो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो वकुर रब्बि रहमना कमा रब्बियानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे इन माँ बाप पर उनी तरह रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपने में हमारे ऊपर रहम फरमाया था। मेरे भाई और दोस्तों याद करें, माँ बाप की कुर्बानी को ना मैं बयान कर सकता हूं ना आप बयान कर सकते हैं, दुनिया का कोई इंसान माँ बाप की कुर्बानी को लिख ही नहीं सकता, बयान ही नहीं कर सकता। बिलाशुबा माँ बाप की कुर्बानी हर इंसान के हदूद से बाहर कि उसके कुर्बानियों को कोई गिना सके। तो मेरे भाई हमें अपने वालदेन की कुर्बानियों का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से एक और आयत है जो आज हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म, कि लोगों तुम ऐसी चीज के पीछे ना पड़ो जिसका तुझे इल्म नहीं, जिस चीज के बारे में तुम नहीं जानते उन चीजों के पीछे ना पड़ो। ये सूरह इसरा की आयत नंबर 36 है। आज हमारा मुआशरा क्या है, ऐसी चीजों के पीछे पड़ जाता है जिसके पीछे पड़कर इसका कोई फायदा नहीं, बस एक दिल को सुकून देने के लिए, मजे के लिए, मुझे मालूम हो जाना चाहिए कि फला आदमी जो है जेल में गया तो क्यों गया, मुझे मालूम होना चाहिए कि फला जगह नौकरी करता था उसे हटा दिया गया तो क्यों हटा दिया गया, अरे फला की लड़की का रिश्ता फला जगह लगा था टूट गया, भाई टूट गया आपको क्या परेशानी है, आपकी बेटी का रिश्ता नहीं टूटा ना, क्या परेशानी है आपको, टूट गया तो टूट गया है, क्यों टूट गया, लड़की के अंदर खामी थी क्या था, लड़की के बारे में कोई नेगेटिव चीज मालूम पड़ गई, लो भाई क्या परेशानी है आपको, आपके पेट का खाना हजम नहीं हो रहा है या आपको कब्जियत की बीमारी हो गई है, क्या हो गया है भाई है? आखिर परेशानी क्या है आपको, क्यों पीछे पड़े हैं आप है? अरे किसी की बेटी का रिश्ता टूट गया या फला से हो गया तो कैसे हो गया, अरे ये तो अगर उस घर में होता या हमसे होना था, ये उसके घर में कैसे हो गया, अरे हमने रिश्ता भेजा था हमारा इनकार हो गया तो क्यों हो गया, उसके घर में कैसा हो, यानी अजीबोगरीब चीजें जिसका कोई माहसल नहीं, जिसकी कोई जड़ नहीं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं, जिसका कोई असल नहीं है, उसके पीछे पड़ना मेरे भाइयों दोस्तों ये बेकार की चीजें हैं। और ऐसी चीजों के पीछे पड़ करके आप अपनी दुनिया, आप अपना अखलाक, आप अपना किरदार तो खराब कर ही रहे हैं, आप अपनी आखरत भी खराब कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म, कि आप लायानी चीजों के पीछे ना पड़ा करें जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है। इन समा, याद रखें, बेशक ये समात ये कान, वल बसर ये आंख, वल फुआद ये दिल, ये ऐसी नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कुल्लु उलाइक कान अनहु मसूला, जिन चीजों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलग अलग एक ही चीज के बारे में सवाल होगा आपसे, अल्लाह कहेगा ओ मेरे बंदे मैंने तुझे कान दिया था, तूने इसका इस्तेमाल कहां पे किया,
गीबत सुनने में की, गाने सुनने में किया, लहो लहज को सुनने में किया, या अच्छी चीजें सुनने में किया। ए मेरे बंदे, मैंने तुझे आंख से नवाजा था, तूने इसका इस्तेमाल कहां पे किया? लोगों के टोहमे लगने में किया, लोगों की ऐब को तलाश करने में किया, लोगों को लोगों के घरों में छुप छुप के झांकने में किया, या जो है गलत चीजों को देखने में किया, या सही चीज में इसका इस्तेमाल किया? अल्लाह सवाल करेगा और कहेगा, अल्लाह ए मेरे बंदे, मैंने तुझे एक दिल दिया था, तूने इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया? दिल को बीमार किया इश्क मुआशके में डाल के, या दिल को तरोताजा रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र अस्कार से? अल्लाह सवाल करेगा, आपको जवाब देना होगा। ये तमाम चीजों से अलग अलग, इन तमाम चीजों के बारे में अल्लाह अलग अलग सवाल करेगा। तो याद रखिए मेरे भाई और दोस्तों, आप किसी और के पीछे ना पड़े, अपने बारे में सोचें, अपनी फिक्र करें। किसी ने क्या खूब कहा था कि आप अपने ऊपर इतनी तनकीद करें, अपने ऊपर इतनी तनकीद करें जिसकी इंतहा ना हो, और उस तनकीद के बाद अपने आप को इतना संवारने में लग जाए, इतना संवारने में लग जाए कि आपको मौका ही ना मिले किसी और को, किसी और पर तनकीद करने का या किसी और के पीछे पड़ने का, आपको अपने आप से ही फुर्सत ना मिले। मेरे भाई एक आखिरी आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज कही जो आज हमारे मुआशरे में पाई जाती है। अल्लाह ने फरमाया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि लोगों तुम जमीन पर अकड़ के मत चलो। आज देखिए कैसे सीने तान के चले जाते हैं, एक महीने जिम क्या चले गए, फिटनेस सेंटर क्या चले गए, कि बस 58 इंच का सीना फुला लेते हैं और फिर उसी स्टाइल का, उसी ढांचे का जो है कपड़ा लेके आते हैं, टी शर्ट लेके आते हैं जो बदन में चिपका रहे, और फिर नहीं भी सीना निकला हो तो फिर भी सीना निकालते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने जैसा बनाया है, आप खूबसूरत है माशाल्लाह, ठीक है, आपको फिटनेस करना करें, मना नहीं है भाई, मना नहीं है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो है वर्जिशी खेल बतलाया, घुड़सवारी, नेजाबाजी, ये सब कुश्ती वगैरह जो है ये वर्जिशी खेल है, आज ये खेल नहीं है, आप दूसरे जराए से अपने जिस्म को मजबूत करते हैं, ठीक है, मगर साहबा ने कभी नुमाइश नहीं की। आज हम फिटनेस इसलिए हासिल करते हैं कि हम नुमाइश करें, हमारे जरा वो जो है मसल्स और डंबल क्या क्या बोलते हैं वो सब दिखे, यूं चलते जैसे लगता है कि कोई देव आ गया है या कोई दूसरा ही, ये इंसान है या देव है, इस तरीके से मेरे भाई और दोस्तों, ये गलत है। ये अकड़ के चलना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये सीना फुला के चलना ये मगरूर की पहचान है, ये मुकब्बिरों की पहचान है, ये तकब्बुर रखने वाले इंसान की पहचान है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुखलिस बंदों की पहचान नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, लोगों जमीन पर अकड़ के मत चलो, इन्नक लन तखरिकल अर्द, कि देखो तुम अकड़ के चलोगे तो तुम जमीन को उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं दी अल्लाह ने कि तुम जमीन को उखाड़ दो, तो क्यों चलते हो अकड़ के मत चलो, इन्नक बेशक तू लन तखरिकल अर्द, जमीन को तू उखाड़ नहीं सकता, वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना ही तू पहाड़ की तरह लंबा हो सकता है, जो जितना है उतना ही रहेगा, तो अकड़ के चलने से ना तो जमीन को तू हिला पाएगा, ना उखाड़ पाएगा, ना पहाड़ के बराबर तू लंबाई हो पाएगा, तो तेरा फायदा कुछ भी नहीं है, बल्कि तू और गुनेगार हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बड़ी प्यारी चीज इरशाद फरमाई, कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ये सारे के सारे जो गुनाह अल्लाह ने गिनाए हैं ये अल्लाह के नजदीक, इंदा रब्बिका मकरूहा, तेरे रब के नजदीक बहुत ज्यादा नापसंदीदा है, बहुत ज्यादा मकरूह है तेरे रब के नजदीक। और कोई गुनाह रब के नजदीक बहुत ज्यादा मकरूह हो और वो इंसान करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सोचे कि फिर हमें जन्नत मिल जाएगा, अल्लाह की रहमत मिल जाएगी, तो मेरे भाई ये बेवकूफाना सोच नहीं तो और क्या है, ये पागलों की सोच है ना। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, अल्लाह की मगफरत हमें मिले, तो इन बुराइयों से अपने आप को बचाना होगा और जो अच्छाइयां हैं उन्हें अपनाना होगा। याद रखें, मैंने पहले ही बताया था, सही बुखारी की एक रिवायत है, हदीस नंबर 5789 नंबर की हदीस है, कि एक शख्स अच्छा लिबास पहन के निकला जरफ बर्फ और तकब्बुर से अपने लिबास को देखने लगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसी जगह जमीन में धंसा दिया, और अल्लाह के फरमाते हैं कयामत तक वो जमीन में धंसता ही जाएगा, कयामत तक धंसता जाएगा। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, तकब्बुर की सजा अल्लाह इस दुनिया में भी देता है और फिर आखिर भी देगा। अल्लाह से दुआ है इबारे राम तमाम मुसलमानों को अच्छे अमल करने की नसीब फरमा, इबारे राम जो बातें भी यहाँ कही गई हैं ये लोग बातों पर हमें कमा हफ्ते अमल पैरा होने की नसीब ना फरमा, आमीन। तकब्बल रब्बिल आलमीन अकुलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वमा अलैना इल्ला